हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे चर्च का 21वां दिन है। जी हाँ, और वजन मैंने किया नहीं, वजन मैं अब कल करूँगा। कल करके वजन और एफसीआर वगैरह आपको बताऊँगा कितना वजन आया और कितनी एफसीआर आई। जी वजन तो खैर कम ही आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फीड आपको पता है कितना कट लग चुका है। कम से कम तीन बार ऐसा हुआ कि दो दो दिन, डेढ़ डेढ़ दिन फीड ही नहीं पड़ी उसमें चिक्स को। उससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अब, बाकी फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रिजल्ट अच्छा तो अच्छा, अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। जी और बाकी मेडिसिन अभी तो कोई मैं दे नहीं रहा। जी वही वाटर सैनिटाइज़र वगैरह चलता है, वो ज़रूरी है, वही चल रहा है अभी। वो सोच रहा हूँ कि एक बार हल्दी का कोर्स करवा दूँ फिर से। जी हल्दी मैं डालूँगा फीड में, फीड में मिक्स करूँगा हल्दी तो वो सही रहेगा। बाकी चिक्स हमारा बिल्कुल ओके है, आप देख सकते। सुबह का टाइम है, पर्दे मैंने खोल दिए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी अंदर, इसलिए। तो बाकी चिक्स हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। और अब मैं फीडर वगैरह ऊपर टांगूंगा, ऊपर करूंगा सारे फीडर। तो पंजी लगाएंगे, पानी साफ करेंगे, फीडर क्रॉप लेवल ऊपर करेंगे, आज बहुत काम है। जी तो बाकी दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको डराएंगे, हिम्मत नहीं देंगे और आपका मन जो है वो हल्का कर देंगे। तो धीरे धीरे करके बंदा क्या करता है, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम हो, वो छोड़ देता है। जी तो हमेशा ही आप ऐसा करें कि किसी की बातों में ना आए। जैसे आप किसी की बातों में आएंगे तो हमेशा ही वो आपको, आपसे जेलसी फील करेगा और आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। जी हिम्मत देने वाले कम हैं और डराने वाले बहुत हैं। जी आपको हमेशा ही आपके आसपास आपके रिश्तेदार आपको नेगेटिव करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप हमेशा ही आगे बढ़ें और अपना बिजनेस शुरू करें और रोज़गार शुरू करें। जी अब लोग बाहर की कंट्री में जाते हैं, इतना पैसा खर्च के जाते हैं, अगर वही पैसा वो आप यहीं पर ही अपने पंजाब में, इंडिया में इन्वेस्ट करें और अपना बिजनेस सेटअप करें, बिजनेस शुरू करें, तो आपकी तो आपकी आमदन अच्छी हो जाएगी। एक आप घर रहोगे तो दूसरा आपके द्वारा बहुत सा रोज़गार बन जाएगा। जी तो हमेशा कोशिश ये करें कि बाहर की बजाय आप अंदर ही अपने इंडिया में, भारत में ही अपना बिजनेस शुरू करें। जैसे कि मान लीजिए डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म सबसे बेस्ट है, मछली पालन, फिश फार्मिंग, वो सबसे बेस्ट है। और जहाँ फिर आप कर सकते हैं पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों का फार्म, अंडों का फार्म, देसी मुर्गियों का फार्म, कड़कनाथ देसी, बहुत से ऐसे रोज़गार हैं जो आप कर सकते हैं, जिनमें आपको लाखों रुपया बचेगा और लाखों रुपया आप कमाएंगे। पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वैसे भी आप बाहर जाओगे तो वहाँ पर भी आपको 25, 30, 40 लाख दे के ही जाओगे। कुछ लोग 50, 60 लाख दे के जाते हैं, वहाँ पर करते क्या हैं, बर्तन साफ़ करते हैं। बर्तन साफ़ करने के वहाँ पर उनको कम से कम महीने का 1.5 लाख बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा, और पोजीशन क्या रहेगी वहाँ पर, आप सोचिए ना। घर से दूर रहोगे और काम वहाँ पर करोगे, तरक्की उस देश में होगी, टैक्स उस देश में दोगे, तो क्या फ़ायदा हमें, पता क्या। देखिए बंदा आज के समय में घर रहे और 1.5-2-3 लाख रुपया घर से ही कमाए, वो सबसे बेस्ट है। जी और दूसरी बात, आप लोगों को रोज़गार दोगे, ये भी है, ठीक है।
वो आप ऐसा बिजनेस इन्वेस्ट के ऐसे पैसे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपका ही फायदा हो और आपको पैसा भी मिले और लोगों का रोजगार भी निकले। इससे आप घर में रहोगे, माँ बाप के सामने रहोगे, भाई बहन के सामने रहोगे, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश ये करें कि बाहर की बजाय अपने अपने शहर में रहें, वहाँ पर ही रोज़गार ढूँढें और अपना बिजनेस शुरू करें। जी, सबसे बढ़िया बिजनेस है डेयरी फार्मिंग का। आप 2-3 भैंसों से शुरू कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो पहले सबसे पहले जी जितने भी मैंने बोला ना उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीखना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले कुछ टाइम आप 1-2 महीने लगाएं, वहाँ से सीखें, ट्रेनिंग लें, उसके बाद काम शुरू करें तो आप ज़रूर सफल होंगे। जी, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना जानकारी के कोई भी काम शुरू करोगे तो वो ख़तरनाक ही होगा। जी, अब आप बाहर जाने के लिए, लोग हमारे पंजाब में तो बाहर जाने के लिए लोग मरे पड़े हैं कि वो बाहर जाने के लिए इतने तड़फते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो अपनी पूरी पैली, अपना पूरा लैंड, अपना घर बार कर्जा लेकर वो बाहर चले जाएंगे, तो बाहर से भी कुछ नहीं बनेगा। मतलब कि 50-60 लाख लगाकर बाहर जाएंगे, 20-30 लाख लगाकर बाहर जाएंगे और फिर भी वहाँ पर कितना पैसा कमाएंगे, सिर्फ 1-1.5 लाख, बस इतना ही। उससे ज़्यादा तो भाई हम यहीं पर कमा लेते हैं, सोचिए ना आप, उससे ज़्यादा तो हम यहीं पर कमा लेते हैं। इसलिए कोशिश करें कि रोज़गार आप अपना यही बनाएं और घर के सामने रहें और माँ बाप भी खुश रहते हैं और आप भी खुश रहोगे जब आप घर के पास रहोगे, घर में रहोगे, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले सीखें, उसके बाद काम शुरू करें तो सही रहेगा। बाकी हम आने वाले समय में और भी कुछ नए बिजनेस के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी योजनाएं देखेंगे, कुछ ऐसी प्लान्स वगैरह बनाएंगे जिससे कम पैसा लगे और ज़्यादा मुनाफा हो। जैसे कई हमारे फार्मर भाई ऐसे हैं जिनके पैसों की कमी है, तो उनको कुछ ऐसा चीज़ें सिखाएं, कुछ ऐसा बताएंगे कि जिससे वो धीरे धीरे करते थोड़ा फ़ायदे की ओर जाएंगे और करते करते थोड़ा बड़ा बिजनेस उनका सेटअप शुरू करेंगे। जी, इस तरीके से कुछ प्लान करेंगे हम। तो बस भाई, आपको सीखना है, सीख कर ही काम करना है, तब आप आगे बढ़ सकते हो। बिना सीखे काम शुरू करोगे, कोई भी काम शुरू करोगे बिना सीखे, तो वो डूबेगा, मुनाफे के बजाय नुकसान हो जाएगा। जी, हर काम की जानकारी होनी ज़रूरी है जो आप करना चाहते हो। बिना जानकारी के कोई भी काम ना करना, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी। तो इसलिए पता कितने लोग हैं जो बाहर गए हैं, बाहर जाने के बाद वो वापस आ रहे हैं और डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, गोट फार्मिंग और ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं, मशरूम फार्मिंग, पता नहीं कौन कौन से फार्म डाल रहे हैं, जिससे वो उनको पता चल गया है कि बाहर कुछ नहीं है, जो है यहाँ पर ही है, अपने घर के पास ही, अपने घर में, अपने गांव में, अपने इलाके में। तो अपने गांव में, अपने इलाके में सेटअप कीजिए अपने बिजनेस का और आपका रुतबा बढ़ेगा थोड़ा, ठीक है, और आप थोड़ा रोज़गार दोगे लोगों को, रोटी पानी आपके आपके कारण किसी के घर में रोटी पानी चलेगा, आपके घर में रोटी पानी चलेगा, आपके माँ बाप खुश रहेंगे जब आपकी आँखों को, अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को देखेंगे। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बाहर जाकर टाइम वेस्ट ना करें। 5-7 साल 8 साल आप बाहर चले जाएंगे, वो टाइम आप कवर नहीं होगा आपका, पैसा तो कमा लोगे लेकिन भाई साहब जो अपने परिवार के साथ ज़िंदगी काटने का मज़ा है ना, वो बाहर जाके नहीं है। इसलिए यहीं पर ही अपना बिजनेस स्टार्टअप करें, वो सही रहेंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो FCR वगैरह मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट कल वीडियो में, कितनी FCR निकलती है, कितना कुछ सब कुछ, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे कि इनको कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या करना है, ठीक है जी। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद करते हैं आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें
उन लोगों को जिनका जो बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। जी ओके दोस्तों।